हाथ ऊपर ही रखना, वरना पिस्तौल की गोलियां तुम्हारा सीना चीरती हुई किसी रागीर को लग जाएंगी और फिर मुझ पर 2-3 मुकदमे बन जाएंगे। फिलहाल मैं एक ही मुकदमा लड़ना चाहता हूँ। अब चाहते क्या है भाई साहब? गरीबों की सिसकियां, बेवाओं के आंसू और यतीमों का खून। मैं तुमसे मजदूरों का वो खून वापस लेना चाहता हूँ जिसे तुमने दौलत का नाम देकर तिजोरियों में बंद कर रखा है। तुम्हारे पीछे इस वक्त सुल्ताना डाकू खड़ा है, कई गरीब और यतीम मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जल्दी से तिजोरी की चाबियां निकालो। साहब मेरे कोई तिजोरी की चाबी नहीं है, मैंने कभी घर में भी ताला नहीं डाला। ये तुमने क्या तमाशा बना रखा? कभी तुम सुल्ताना डाकू बनते हो और कभी अकबर बादशाह। मैं अभी जाकर तेरे बाप से कहता हूँ, वही तुझे ठीक करेंगे। भाई जमील, खुदा के लिए ऐसा कसम न करना, मेरी पिस्तौल खुद ब खुद तुम्हारे पाँव में गिर गई है। मैं ना कभी ऐसा नहीं करूंगा, ये तो मेरे शौक ने मुझे पागल कर दिया है। कभी कुछ बन जाता हूँ, कभी कुछ बन जाता हूँ, फिर कभी नहीं करूँगा। आइंदा याद रखना। मैं कहा भाई जमील, आपके पास एक आधा भी टूटे हुए हैं, क्या करोगे? उस शहर से ना एक बहुत बड़ी नाटक कंपनी आई हुई है, मैं जरा जाकर थिएटर देखूंगा। पागल कर दिया है तेरे शौक ने तुझे। शुक्रिया।
अदाकार बन जाऊंगा ना तो मैं तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। इतने मेहमान बुलाऊंगा कि मोहल्ले वाले हुकूमत के पास शिकायत करने पर मजबूर हो जाएंगे कि इसने ज्यादा मेहमान बुला के खाना खिलाया है। फिलहाल तो जरा मुझे भूख लग रही है, खाना तो ले आओ। अच्छा भैया मैं अभी खाना लेकर आई। कहीं आज भी दाल ही ना पकी हो। सुल्तान इतने सुल्तान शहन शाह आली जाह यूसुफ इतने खाकान तशरीफ लाते हैं। तशरीफ रखिए, आप भी तकलीफ ना करें और उस वक्त तक बैठे रहिए जब तक मां बदौलत तख्त शाही पर जलवा फरोख नहीं होगी। सब दरबारी मौजूद है, लेकिन ये विलन कहां है? विलन? कौन विलन? वो ही विलन जिसे तुम लोग मैनेजर कहकर हाँ तो तुम जहां पर छुप के बैठे हो उठ के खड़े हो जाओ अदब के साथ। साहब दुनिया इंकलाब जिंदाबाद चीख रही थी और तुम मुझे गालियां दे रहे थे, अब तुम इंकलाब जिंदाबाद कहोगे और मैं तुम्हें गालियां। मालूम है क्यों? इसलिए कि अब मैं भी बहुत बड़ा आदमी बन गया। लोग उर्दू में जिसे अदाकार, हिंदी में कलाकार और इंग्लिश में आर्टिस्ट कहते हैं। अब वो वक्त दूर नहीं जब तुम मेरे धरे दौलत पर हाजिर होगे और मैं तुम्हें घंटों इंतजार करवाने के बाद जब अपने बंगला से निकलूंगा तो तुम गिड़गिड़ा कर कहोगे कि हजूर खुदा के लिए मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए, और मैं कहूंगा अगर मुझसे बात करनी है तो पहले मेरे सेक्रेटरी से टाइम लो। तुम कहोगे मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मुझे अपना सेक्रेटरी बना लीजिए। और फिर मालूम है मैं तुम्हें क्या कहूंगा? क्या कहोगे? मैं कहूंगा गेट आउट। ये किसको कह रहे हो? तुम्हें। अरे देखा ईमान से ये तो मैं यूं ही जरा मूड में डायलॉग बोल रहा था। ये ऑफिस है ठेका नहीं, मुझे चपरासी चाहिए एक्टर नहीं। अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया था, समझा पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा तो आपने मेरी अदाकारी पे खुश होकर मेरी तनख्वाह 100 रुपए कर दी? 50 तुम्हारी तनख्वाह के, 50 तुम्हारे नोटिस के, कल इस दफ्तर में कदम मत रखना। कहो गलती तो मैंने अपने शौक की वजह से की है और आप सजा मेरे पेट को क्यों दे रहे हैं? आई से यू कैन होशियार सुल्तान इतने सुल्तान यूसुफ इब्ने खाकान नौकरी से बर्खास्त होकर तशरीफ ले जा रहे हैं। क्यों भाई क्या देख रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि मुल्क का सबसे बड़ा फनकार शाकिर है? और फनकार क्या नाम पाया है, एक हमजा कि हमें पूछता ही कोई नहीं। कम तनख्वाह और खर्चा ज्यादा, मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस तरह कब तक चलेगा। हम अपने रहने के लिए कहीं दूसरी जगह मकान न ले ले। भाई आजकल मकान मिलना बहुत मुश्किल है और अगर कहीं मकान मिल भी जाए तो किराया अदा करना उससे ज्यादा मुश्किल है। मकानों के किराए आसमान से बातें कर रहे हैं। मगर इस तरह जिंदगी गुजारना भी तो मुश्किल है, एक कमाने वाला और इतने खाने वाले। अगर खाने वाले कम हो जाए एक छोट दो मकान किराए पर लिए जा सकते हैं। अरे भाई घबराओ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा, मैं तो उकता गई हूँ इस झमेले से। जी तो चाहता है चाबियाँ तुम्हारे हवाले करो और खुद चली जाओ, मैं क्यों हूँ। बेगम जल्दबाजी से काम ना लो, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। सर्द हो गई, जर्द हो गई, राहे वफा में दो ही कदम चल के गिर गई। अरे तू क्या जान देगी जो जबा देखे फिर गई। और फिर थिएटर देख के आया है? थिएटर नहीं, थिएटर का अदाकार देख कर आया हूँ, एक फनकार को सरे बाजार देख के आया हूँ। हाय अवाम का उससे प्यार देख के आया हूँ। अब्बा जान मैं आपको क्या बताऊं कि मैं क्या देख कर आया हूँ। वो कितनी भीड़ थी उसके पीछे। अरे अच्छा होता जो तू उस भीड़ में खो जाता और घर ना आता। घर में खाली हाथ नहीं आया हूँ, आपके लिए नए बूट लाया हूँ।
महबूब मेरे लिए नहीं पूछता कि तू तू मेरे पाँव में पुराना जूता देखना गौर नहीं करता। अरे बस्ताने तुझे क्या करता है आ गई। अरे यूसुफ की माँ मेरा बेटा मेरे लिए नए बूट लाया। मेरे लिए कुछ नहीं लाया। माँ तुम्हारे लिए ये चादर लेके आया। भैया और मेरे लिए? तुम्हारे लिए ये दुपट्टा, ये भाभी के लिए दुपट्टा और ये जुराबे भैया के लिए। अरे ये इतने पैसे क्यों खर्च कराया है? हमें तो रुपयों की सख्त जरूरत है। पैसे चाहिए ना? ये लीजिए आप भी 50 रुपए। 50 रुपए? अरे बाबा ये मुझे 100 रुपए तनख्वाह के मिले तो। 100 रुपए तनख्वाह के? ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। रुक के कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दुआओं से अब्बा जान का तमाम प्रोग्राम ही अपसेट हो जाए। ये तो 50 रुपए मुझे तनख्वाह के मिले थे और 50 रुपए नोटिस के यानी गेट आउट नौकरी से जवाब। नौकरी से जवाब मिल गया? तुम क्या कह रहे हो यूसुफ? हाँ अब्बा जी, आज दफ्तर में मैंने जरा एक्टिंग शुरू कर दी थी और लोगों को तो बड़ी पसंद आई। ना जाने मैनेजर को मेरे रोल में क्या खराबी नजर आई कि आते ही नौकरी से चलता कर दिया। तुम अपनी बहन के लिए कुछ ला नहीं सकते थे तो फिर नौकरी छिन जाने की खबर क्यों दी? इसमें मेरा क्या कसूर है अब्बा जी? जिस दुनिया को तुम जैसे बेकार नौकर की जरूरत नहीं, उसी दुनिया में रहने वाले माँ बाप को तुम साना लायक बेटा भी नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। इसका मतलब ये है कि मैं ये घर छोड़ दूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहाँ जाएगा मेरा लाल? तुम बीच में मत बोलो राबिया। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे ख्वाबों के सहारे जिंदा रहने का गलत तरीका सिखाया है। आज आज मैं इसे बता के रहूंगा कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में दुख झेल कर जिया जाता है। इसे कह दो राबिया कि इसे अगर हमारे साथ रहना है तो इसे अपनी बेतुकी ख्वाहिशों को छोड़ना होगा। अपनी बहन की शादी के लिए मैंने तो मशक्कत करनी होगी वरना ये घर छोड़ दे। उस आवारा का लाया हुआ दुपट्टा मैं नहीं ओढ़ूंगी। न जाने कहां से चुरा लाया है। जब ले ही आया तो रख लेती। रख लेती? 6 आने के दुपट्टे की खातिर इस नालायक का एहसान उठाऊं? आज नौकरी भी छोड़ आया है। काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। पहले क्या कम खाने वाले थे कि ये भी मुफ्त के खाने पे उतर आया है। निखट्टू माँ बाप का सहारा बनने की बजाय भाई का बोझ बन गया है। मेरी तो तकदीर ही फूट गई है इस घर में आके। परेशान होने की जरूरत नहीं, इस घर में वही होगा जो तुम चाहोगी। मैं तो चाहती हूँ कि अब इस बेहया को घर से निकल जाना चाहिए। अगर ये नहीं निकलता तो मैं चली जाती हूँ। इसके होते हुए मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। अरे जल्दबाजी ना करो बेगम। खाना लेकर आती हूँ। नहीं बाबू, मुझे खाना नहीं, जहर ला दो, मैं मर जाना चाहता हूँ। भाभी ने सच ही तो कहा है, मेरा वजूद बेकार है, मैं जमीन पर एक बोझ हूँ। मुझे ये घर ही नहीं, ये दुनिया भी छोड़ देनी चाहिए। ऐसा न कहो भैया, खुदा करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। मैंने सोचा था कि बड़ा आदमी बन के इस घर की हालत बदल दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। गरीब जो ख्वाब देखता है वो कभी पूरे नहीं होते, कभी पूरे नहीं होते। आज गम है तो क्या वो दिन भी जरूर आएगा। आज गम है तो क्या वो दिन भी जरूर आएगा।
खुशी में बदल जाएगा। आज तुम है तो क्या वो दिन ही जरूर आएगा, वो दिन ही जरूर आएगा, वो दिन ही। पैसे जी एक रुका मिला है, बैठो बाबू। मस्ताना घर छोड़कर चला गया। भैया भैया घर छोड़कर चले गए। बाबा वो उनका रिश्तेदार है, कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई नाना है, क्या तुम उनका कालू लगते हैं? अगर इन एक्टर लोगों को देखना है ना तो शो बाबा का दाल का टिकट खरीद के बैठ जाना। चलो बाहर, चलो मुझे, चलो बाहर। ओ लाला, इधर वो मिस माला तो नहीं है? हाँ कही है। आज फिर उल्लू की पट्टी बगैर मेरी इजाजत के घर से आ गए। पूछे आप कौन है? हम उसके उस्ताद हैं, अच्छन महाराज उर्फ मस्ताना। अगर वो आए तो उसे कह देना कि महाराज नाराज होकर चले गए, और हाँ उसे ये मत बताना कि हम तुम पर भी नाराज हुए थे, वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। साहब अगर आप आए ना तो कुछ आप उनसे मिल के जाएगा, अगर आप इस तरह चला गया तो हमारा शामिल आ जाएगा। और तुम्हारी शामिल क्यों आएगी? अच्छा हम उसे समझा देते हैं कि वो तुम्हारा ख्याल रखा करे। मेहरबानी साहब, मेहरबानी मेहरबानी। क्यों जी, कैसी धुन बनाई? दुहाई है, दुहाई है। धुन तो अच्छी है मगर सुर बहुत ऊंची है। सुर इतना ऊंचा तो नहीं है मैडम, दूसरा काला ही तो है। दूसरे काले से गाना शाकी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं पहले दूसरे चौथे पांचवें सातवें काले तक गा सकता हूँ। सातवें काले तक गा सकते हो? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम आसमान सर पे उठा सकते हो। जी मैं रोतों को हंसा सकता हूँ और हंसतों को रुला सकता हूँ। मैं स्टेज पे आ जाऊँ तो धूम मचा सकता हूँ। तुम यहाँ से जा नहीं सकते। जी नहीं। कौन है तुम? जी मैं एक आर्टिस्ट हूँ। आप आर्टिस्ट? तो और क्या, मैं आपको सुरमा बेचने वाला दिखाई देता हूँ। जी नहीं, शक्ल से आप कमेटी के चूड़े लगते हैं। ये गोल मटोल चेहरा, ये लंबी नाक, ये तिरछी आंखें, एक आर्टिस्ट के सिवा किसी और की हो सकती है? ए मिस्टर, आपसे ज्यादा गोल मटोल चेहरा मेरा है, लेकिन मैं आर्टिस्ट नहीं। वैसे तो दुनिया गोल है, सारी दुनिया आर्टिस्ट थोड़ा ही है। आखिर तुम चाहते क्या हो? चांस, एक दफा स्टेज पर आकर आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि ड्रामा किस तरह बोला जाता है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, तो फिर सुनाओ। सुनिए, ट्रेजेडी सीन नंबर 43 मुकाम बगीचा, बावफा बीवी और बेवफा शौहर। शौहर कहता है तुम मुझे रेत की दीवार मत समझो, ये समझो कि तुम्हारे सामने एक भारी पत्थर आन गिरा है जिसे ना तुम फैला सकती हो ना आगे से हटा सकती हो, बल्कि सारी जिंदगी इससे सर टकरा टकरा कर मर सकती हो। अब सुनिए पंजाबी फिल्मों के हीरो के डायलॉग। वो अपने बाप के कातिल के सामने जाता है और उसके हाथ में बंदूक है, लेकिन वो बंदूक को फेंक देता है। तगड़ा हो जाए, मैं तेनू बंदूक ना ले सलाई नहीं मारूंगा। ये चकार तो उसने नहीं आए, तू मेरे प्यो नू यारा फट लाए सन और मैं तेनू भी यारा फट लावांगा। यू इडियट, तुम इंसान हो या गधे? बस आपका बच्चा हूँ जी। बच्चा क्या मतलब? जी मतलब ये है, अब सुनिए एक शराबी के डायलॉग्स। तुम मुझे अपना पता बता दो बस। लापता है, अभी किसी पते ठिकाने का बंदोबस्त नहीं हुआ। जब बंदोबस्त हो जाएगा तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आप तो मेरा इंतजार करेंगे, मैं इतनी देर क्या करूं? तुम बेटे स्टेशन पे जाके हलीम बेचो, मेरा मतलब है कोई धंधा करो। धंधा कर लूं? हाँ, एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए हर काम का जानना बहुत जरूरी है।
इसके लिए तुम नौकरी करो, भीख मांगो, आवारागर्दी करो। नौकरी करो? हाँ भाई, ये तीन तीन महीने का कोर्स है, इसके बाद मेरे पास आ जाना, फिर आप मुझे रख लेंगे। ओ भाई, मैं रख लूंगा, चाहे तुम्हें पिंजरे में रखूं, रख जरूर लूंगा, जाओ। बड़ी बड़ी मेहरबानी। सलाम अलैकुम। सलाम। नौकरी करूं, भीख मांगू और आवारागर्दी करूं? नौकरी? जाओ। कोई बात नहीं, कितनी याददाश्त है इसकी, एक मिनट में न जाने क्या क्या बोल गया। इस किस्म के कई नकली हीरो लोगों का दिमाग चाटते पीते, और जब स्टेज पे आते तो सब कुछ भूल जाते। कहीं के। आपको कहां से नौकरी दे, कहीं और जाओ। भाई कोई काम? मुझे यहाँ कोई मजदूरी मिल जाएगी। कौन हो तुम? जी मैं एक परदेसी हूँ और मजदूरी चाहता हूँ। कोई काम वाम जानते हो? काम तो कुछ नहीं जानता, मगर पेट भरने की खातिर जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। पेट की खातिर? मतलब ये कि तुम्हें दो वक्त का खाना चाहिए? जी। शाबाश, बड़े बेलौस मजदूर मालूम होते हो। जाओ उन मजदूरों में काम वाम करो, हम तुम्हें दो वक्त का खाना देंगे, जब काम खत्म होगा तो इनाम भी देंगे। जी मेहरबानी। पेट भर के खाओ बेटा, ये दाल बड़ी मुफीद चीज है। अरे ओ गामा, अरे पानी लाना मेरे बेटे के लिए। बड़ा अच्छा मजदूर है तू, खूब खा खूब खा। ठेकेदार जी, मेरी वो 20 रोज की मजदूरी दे दीजिए, मैंने घर पैसे भेजने हैं। भिखारी, पहले काम मांगने आया था, अब पैसे मांगने चला आया है। मैंने आपसे कोई खैरात तो नहीं मांगी, अपनी मजदूरी मांगी है, मुझे मजदूरी दे दीजिए, मैंने घर पैसे भेजने हैं। अरे तो जैसे आवारा गर्दों को अगर हम मजदूरियां देने लगे तो फिर कर ली हमने ठेकेदारी। चल। आप तो मेरे बड़े मेहरबान बना करते थे, अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया करते थे, और आज आप इतनी रूखी बातें क्यों कर रहे हैं? तो जैसों पे मेहरबानियां करने लगे तो फिर कमा लिए हमने पैसे, अब अगर ज्यादा बात करेगा तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। चल भाग यहां से, चल। भाई एक रोटी तो दो। पैसे लाओ। पैसे तो नहीं है। तो रोटी डाल लाओ। पैसे नहीं है और रोटी लेने आ गया, चलो। कौन हो तुम? भैया मैं कई रोज से भूखा हूँ, मुझे ये बचा कुचा खा लेने दो, भूख की शिद्दत से मेरा दम निकला जा रहा है। दम निकला जा रहा है तो कहीं और जाके मर, इन टुकड़ों को बेचकर तो हम सिगरेट पानी का खर्चा निकालते हैं। खुदा के लिए मुझे एक ही टुकड़ा दे दो। तुझे दे दूं? चोर को? अरे तुझे तो बेहतर है कुत्ते को डाल दूं। क्या ये इंसानों के लिए नहीं है? नहीं, तुझे तो कुत्ता बेहतर है। चल दफा हो जलील कमीने। इस दुनिया को इंसान की पहचान नहीं है, इस दुनिया को इंसान की पहचान नहीं है। संभले न जो ठोकर से हो
ठोकर से वो इंसान नहीं है। इस दुनिया को इंसान की पहचान नहीं है। कुछ देर ही में चश्मे इनायत खत्म हुई, जब काम कुछ नहीं तो मुरव्वत खत्म हुई, मतलब निकल गया तो मोहब्बत खत्म हुई, जीने का तरीका ये हो, जीने का तरीका ये मेरी जान नहीं है। इस दुनिया को इंसान की पहचान नहीं है। ले आए हैं मंझधार में जो वक्त के धारे, मिलते हैं इन्हीं मौजों में पोशीदा किनारे, मल्लाह समझ ले जो बंवर के ये इशारे, तूफान तो एक खेल है हो, तूफान तो एक खेल है तूफान नहीं है। इस दुनिया को इंसान की पहचान नहीं है। शम्मा जलाई थी परवाने को क्या कहिए, जब मस्त जमाना है मस्ताने को क्या कहिए, अपने न हुए अपने बेगाने को क्या कहिए, दीवाना भी होशियार है हो, दीवाना भी होशियार है नादान नहीं है। इस दुनिया को इंसान की पहचान नहीं है। फिरते हैं लाखों इंसान सड़कों पे मारे मारे, ये दुनिया नफरतों की पाली हुई है प्यारे, मुश्किल पड़े तो इंसान अल्लाह को पुकारे, क्या सामने तुम्हारे कुरान नहीं है। क्या सामने तुम्हारे कुरान नहीं है। इस दुनिया को इंसान की पहचान नहीं है। इस दुनिया को इंसान की पहचान नहीं है। संभले न जो ठोकर से वो इंसान नहीं है। इस दुनिया को इंसान की पहचान नहीं है। सुभान अल्लाह भाई, तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो। पेट तो खाली रहता। अच्छा तो ऐसे करो, वो सामने वाली बिल्डिंग में ऊपर की मंजिल में माला डांस रहती है, वहां चले। फिर शायद चांस मिल जाए। तो मैं अभी जाऊं? अभी नहीं, तुम इस तरह करो, ये पैसे रख लो और कुछ खाना वाना खा लेना, वो शाम में आएगी। मैं उसके पास शाम को जरूर जाऊंगा। सलाम अलैकुम, जरूर चले जाना। कमाल कर दिया आपने, ईमान से खूब नाचती है, मजा आ गया। तुम मेरे घर में कैसे घुसे? जी उस दरवाजे से। मैं पूछती हूँ तुम्हें बगैर इजाजत मेरे घर में दाखिल होने की जरूरत कैसे हुई? सुनिए मोहतरमा, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट को किसी इजाजत की जरूरत नहीं होती, वो जब चाहे जहाँ चाहे चला जाता है। मालूम होता है तुम पागल हो गए हो। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। उस मुझे तो मेरे शौक ने दीवाना कर दिया, वरना मैं भी आदमी था बड़े काम का। आखिर तुम चाहते क्या हो? जी मैं एक फनकार हूँ।
और फन का मुजाहरा करना चाहता हूँ। अरे बाबा तू भी किसी थिएटर में जाओ ना। अजी आप ही कमाल करती हैं, थिएटर में जाते हैं तो वो पता ठिकाना पूछते हैं, आपके पास आते हैं तो आप थिएटर का पता बताती हैं। हाँ, अब जाएं तो जाएं कहाँ? भाड़ में। अजी वहाँ पे कितने नंबर बस? 4 नंबर। समझ में नहीं आता तुम चाहते क्या हो? मेरी सादगी देख, मैं क्या चाहता हूँ जी? मैं आपके बर्तन साफ करना चाहता हूँ। क्या जी? मतलब ये है कि मुझसे घर का काम करवा लीजिए, ये सोफे साफ करवा लीजिए, ये कालीन साफ करवा लीजिए, जूते साफ करवा लीजिए, लेकिन एक्टर बना दीजिए। बीबी जी मैं आपको ये बताना ही भूल गई थी कि खान साहब मकान छोड़कर चले गए। ओहो क्या मुसीबत है। घबराने की कोई बात नहीं, अब मैं इस घर में आ गया हूँ और कोई मुसीबत नहीं आ सकती, मैं खाना बनाना जानता हूँ। अच्छा तो आप खाना बनाना भी जानते हैं? जी बिल्कुल। फरमाइए आप क्या खाना पसंद करेंगी? नरगसी कोफ्ते या चंगेजी पुलाव या तामूरी मुर्ग या यूनानी खीर या लबनानी खिचड़ा? तो क्या वाकई तुम खाना पकाना जानते हो? जी ये तो बताने का आपने मौका ही नहीं दिया कि मेरे परदादा मरहूम मोहम्मद शाह रंगीले के पास शाही बावर्ची थे और इतना लजीज पकाते थे कि बड़े बड़े राजा महाराजा उनके पीछे दौड़ा करते थे कि इनकी उंगलियां खा जाए। अच्छा खुदा के लिए अब मेरा दिमाग तो ना खाओ, जाके खाना बनाओ। जी आपका वो अचकन खाना कहाँ है? अचकन खाना? माफ कीजिएगा आपका किचन खाना? इन्हें ले जाके दिखाओ। जी अच्छा जी। सलाम अलैकुम। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? खाने को आगे देर हो गई है, मालकिन चिल्लाएगी। तुम जल्दी से आलू गोभी और मटर की माँ बना लो और साथ में थोड़ी सी प्रोटीन। आलू गोभी? हाँ। मटर की माँ? और ये प्रोटीन भी? हाँ। अरे अरे क्या हो गया? हुआ तो नहीं? हो जरूर जाएगा। रोते क्यों हो? वो तो शक्ल ही ऐसी है। मैंने कहा मैं आपसे एक राज की बात करना चाहता हूँ, अगर आप किसी से कहें ना तो। हाँ हाँ कहो। ये मुझे खाना वाना पकाना नहीं आता। अच्छा तो बाहर ऐसे खान साहब की नौकरी करने के लिए यहाँ आ गए थे? बाहर तो बड़ी ढींगे मार रहे थे। वो तो नौकरी मैंने अपने शौक के लिए कर ली कि शायद कभी बीबी जी की तफाइल हमें भी स्टेज पे अपना फन दिखाने का मौका मिले। अच्छा तो तुम भी मेरी तरह घर से एक्टर बनने के लिए आए हो? तो क्या आप भी यहाँ पर इसी शॉप में आई हैं? जी हाँ, 2 साल हो गए बेगम सदा की रोटियाँ पकाते हुए। और आपका ये पता वगैरह किसी ने नहीं पूछा? पता बता क्या पूछेंगी, बस कभी कभी खाने की तारीफ कर दिया करते हैं। सिर्फ तारीफ? मुझे तो खाना भी नहीं पकाना आता। खुदा हाफिज़ जी। ठहरो तुम जाओ मत, खाना अगर तुम्हें नहीं पकाना आता तो वो मैं पका लिया करूँगी, ऊपर का तुम छोटा मोटा काम कर लिया करना। और जी छोटा मोटा काम तो मैं ऐसा करूंगा कि आपको कभी शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। अच्छा सुना, और वो देश की माई दो, मैं सब्जी बनाती हूँ। अभी लीजिए। हाँ। सिर उतराया करता था तो मैं तुझे कहा करती थी कि इस तरह पैसे जाया ना कर, मगर अब तेरे चले जाने के बाद पता चला है कि बेटे की तस्वीरें माँ के सीनों पर लगे हुए जुदाई के जख्मों पर मरहम का काम देती है। नासिर की माँ, नासिर की माँ, अब आ भी जाओ। माँ के सीने पर मरहम का काम देने वाली मस्ताने की ये तस्वीर भी इस घर में नहीं रह सकती। बिटिया तुम हंडिया चढ़ा देना, मैं तुम्हारे अब्बा को हकीम के पास दिखा के ले आती हूँ। अच्छा जी। कमीने, कहते थे हमारे पास तक कुछ भी नहीं है। तुम यही ठहरो बेटा, मैं अभी पैसे ले आती। बैठो बेटा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मुझे जल्दी से पैसे दे दें, हकीम साहब ने एक दूसरे मरीज को देखने के लिए जाना है। लुट गए, बर्बाद हो गए, बेटी के जहर के लिए पाई पाई जमा करके रखी थी, कोई चोरी करके ले गया। बेटी बानो हमारे जाने के बाद कमरे में कौन गया था? मैंने भाभी को निकलते हुए देखा था। चुप रहो बानो,
जब नसीब में ये लिखा हो तो क्या हो सकता है। खूब ढोम मचाया है, वहाँ कह रहे थे हम पैसे घर भूल आए हैं, और यहाँ आकर कहते हैं कि पैसे चोरी हो गए हैं। मैं ये दवाई वापस ले जा रहा हूँ। अब क्या होगा? अब तो एक ही उम्मीद रह गई है कि नासिर अपने मालिक से कुछ एडवांस ले आए। नासिर बेटे, कुछ एडवांस मिला? तेरी खामोशी ने बता दिया है कि तुझे कुछ नहीं मिला। अगर बाहर से कुछ मिला होता तो घर में रखी हुई रकम क्यों छिन जाती? पूरे 200 रुपए में खरीदी है ये सिंगार मेज, अच्छी है ना? अच्छी तो है, मगर इन आलात में इतने पैसे खर्चने की क्या जरूरत थी? बिगड़ो नहीं जी, तुम्हारी कमाई से नहीं खरीदी, ये तो मेरे अब्बू ने लेके दी है। अब्बू ने लेकर दिए? हाँ। उन्हें एकदम ये ख्याल कैसे आ गया? नहीं नहीं, बहुत दिनों से जिद कर रही थी, आज तो बड़ी ही मुश्किल से मनाया है। तुम्हारी कमाई से तो मैं आज तक 2 रुपए की चीज भी नहीं खरीद सकी। हाँ, हम कोई चीज खरीद भी कैसे सकते हैं? तनख्वाह से तो घर का खर्च भी पूरा नहीं होता। खर्चा पूरा हो भी कैसे, एक कमाने वाला और इतने खाने वाले, मेरी तो तकदीर ही फूट गई है इस घर में आके। कम से कम बड़े घरों में ऐसा नहीं होता। जी तो चाहता चाबियां तुम्हारे हवाले करो और खुद चली जाऊं मैं के। हाँ, ओहो, जाने की जरूरत नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मेरे सर पे, आपके सर पे, तो लीजिए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तेरा सत्यानाश हो जाए, ये तूने क्या कर दिया है? तुझे अभी तक नहीं पता बर्तन धोकर रखते कहाँ है? ये काम क्या होता है तुझे? आपको नहीं अभी तक पता चला कि मुझे क्या काम आता है? नहीं बताऊं? कोई मुझको भी हीरो बना दे, हाय, कोई मुझको भी हीरो बना दे तो फिर मेरा काम देखना, तो फिर मेरा काम देखना। कोई फिल्मों में जानत दिला दे तो होगा बड़ा नाम देखना, तो फिर मेरा काम देखना। लोग करेंगे प्यार, मेरा नाम अवामी होगा, लोग करेंगे प्यार। मेरे नीचे भी जब होगी 9 गज लंबी कार, हो 9 गज लंबी कार, मेरी हालत पे हंसने वाले हो जाएंगे गुलाम देखना, तो फिर मेरा काम देखना। हम जैसों की कदर न करना जग वालों की रीत, हम जैसों की कदर न करना जग वालों की रीत। अच्छे दिन हो तो दुश्मन भी बन जाते हैं मीत, हो बन जाते हैं मीत, मेरे चल चल जमाने वाले करेंगे सुबह शाम देखना, तो फिर मेरा काम देखना। Thank you.
भी एक दिन बन जाऊंगा बहुत बड़ा फनकार, मैं भी एक दिन बन जाऊंगा बहुत बड़ा फनकार, मुझसे अच्छा कौन चलाए नेजा तीर तलवार, हो नेजा तीर तलवार, मेरी होगी विलन से लड़ाई डजन बिजन आ, अब मेरी होगी विलन से लड़ाई, तो मेरा इंतकाम देखना तो फिर मेरा नाम देखना, वो कोई फिल्मों में चानस दिला दे तो होगा बड़ा नाम देखना, तो फिर मेरा काम देखना। खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी एक्टिंग नहीं करूंगा। तुम तो सच में क्या फनकार? ओ नहीं दीदी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालूंगा, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसी कैसी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमें तुम्हारे फन का बहुत जल्दी पता चल गया। ओ नहीं दीदी जी, मैं तो यू ही मेरा एक्टिंग के शौक में गाने लग गया था। मगर तुम घबराए हुए क्यों हो? घबराऊं क्यों ना बीबी जी, एक दफा जरा मैनेजर साहब के सामने एक्टिंग कर दी थी तो उन्होंने नौकरी से गेट आउट कर दिया था, और अब अगर आपने घर से निकाल दिया तो मैं कहीं का ना रहूंगा। मगर मैंने तो सचमुच तुम्हारे गाने की तारीफ की है, यकीन करो तुम बहुत बड़े फनकार बन सकते हो। जी मैं फनकार बन सकता हूँ? तुम में वो सब खूबियां मौजूद है जो एक अच्छे फनकार में होने चाहिए, तुम्हारे माँ बाप बहन भाई। जी घर में तो सब है, मगर मैं ये कसम खा के निकला था कि जब तक बड़ा आर्टिस्ट नहीं बन जाऊंगा घर वापस नहीं आऊंगा। वैसे तो माँ है, बाप है, भाई है, भाभी है, और एक छोटी बहन। अच्छा तो अब आप गाने भी लगे हैं? गाने नहीं, रोने लगा हूँ बीबी, ये दर्द दिल। ये दर्द दिल की बीमारी आपको कब से हो गई? जब से इस थिएटर का हीरो मर गया, अब मुझे डर है कि इस थिएटर का हीरो मुझे बनना पड़ेगा। अरे वहां से लोगों ने मुझे इतने कुमकुमे मार रहे हैं कि मैं अस्पताल में पड़ा हूँ। ये नौबत नहीं आएगी, मैंने हीरो चुन लिया है। चुन लिया चाहिए। सलाम अलैकुम। वालेकुम। यही तो वो हीरो है, मगर तुम ये कपड़े क्या पहन के आए हो? जी आपने तो कहा था कि जरा टीप टाप से आना, पचासियों दुकानें फिरी तो फिर कहीं जाके ये सूट मिला है बेदाग, मेड इन इंग्लैंड है, लंदन बाजार से लिया है, कितना अच्छा दिखाई देता हूँ मैं इसमें। बहुत अच्छे दिखाई देते हो, दूर फिटे मुँह तुम्हारा। बैठो। ये कहेंगे तो मैं बैठूंगा? आप कह दीजिए। बैठ मर जाओ। कल रात इसने ऐसा अच्छा गाया कि मैं बयान नहीं कर सकती, मैं कहती हूँ आप इसको रिहर्सल तो करवाइए। मैं तो कहता हूँ इसे इस्त्री करवाइए। प्लीज आप इसको रिहर्सल करवा के देखिए। ये लो मास्टर चलगोजे, पकड़ो, चलो आओ मैदान में। हाँ भाई किस लय पे नाचोगे भाई? अजी मैं नाचूंगा थोड़ा ही। हाँ मैं तो गाना गाऊंगा। खाली गाना स्टेज पर नहीं चलता भाईजान, देखना यह है कि तुम नाचते भी हो नहीं। लगाओ एक ताला। अजी ताला लगाने की क्या जरूरत है, दरवाजा खुला रहने दीजिए, मैं भागूंगा नहीं। ये दरवाजे को लगाने वाला ताला नहीं है हिटलर के मार्शिये, ये एक ताला लय का नाम है, इस पर तुम नाच भी सकते हो कि नहीं ये देखना है। ये कौन सी बात है, चाहे 10 ताले लगाओ हम नाचेंगे। चलो फिर शुरू हो जाओ। तो लय को बिल्कुल नहीं समझ, बिल्कुल बेताल। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। बेटा आप ऐसा करें, बकर मंडी जाके और बकरों को मेहंदी लगाया करें, ये आपके बस का काम नहीं है। जाओ। माँ मैं फनकार नहीं बन सका, माँ मैं फनकार नहीं बन सका। या अल्लाह मेरे मस्ताने को अपनी हिफाजत में रखना, कई दिनों से घर नहीं आया,
ना जाने कहाँ होगा। वो जहाँ भी रहे खुश रहे, मैं तो शायद मरने से पहले उसकी शक्ल भी ना देख सकूं। ऐसा न कहिए, आप ठीक हो जाएंगे। मुझे तो ठीक होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मर्ज रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, न दिन को चैन न रात को आराम। इससे बेहतर था कि मुझे मौत आ जाती। दिल छोटा ना कीजिए, मैं नासिर से कहूंगी वो आपको किसी बड़े डॉक्टर को दिखाए। बड़े डॉक्टर बड़े लोगों के लिए हैं, छोटे लोग बड़े डॉक्टरों की फीस का बोझ नहीं उठा सकते। और फिर नासिर तो पहले ही अखराजात के बोझ तले दबा हुआ है। वो आपको अस्पताल ले जाएगा, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बजान, ठीक है अस्पताल ले जाए, नौकरी छोड़ दे, यही चाहते हैं ना आप लोग। नहीं नहीं हमारा ये मतलब तो नहीं है। तो फिर खुद क्यों नहीं ले जाती इन्हें अस्पताल? क्या बात है, बड़ी भी कह रही है नौकरी से इस्तीफा दे दो और अब्बू जान को उठाकर अस्पताल के चक्कर काटना शुरू कर दो। किस सोच में पड़ गए हो जी, ले जाओ इन्हें अस्पताल। मैं तो इन्हीं लोगों के लिए कह रही थी, अगर नौकरी छूट गई तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो अब भी तैयार हूँ मैं के जाने को। आप नाराज ना हो, तुम नौकरी पे जाओ बेटा, मैं खुद इन्हें ले जाऊंगी। सुनो तो बस, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। बीबी जी से कह देना कि मैं चला गया। बस हो गए ठंडे, उतर गया फन का नशा। फन का नशा तो मौत की तुरसी भी नहीं उतार सकती, लेकिन फनकार बनने के लिए अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। बीबी जी के सामने मेरे फन का रूस निकल गया है। बीबी जी की नजरों में अब मैं फनकार नहीं बेकार हूँ। अब इस घर में काम करना मेरे लिए शर्म की बात है। काम करना तो पहले ही तुम्हारे लिए शर्म की बात है, वो तो सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे और तुम सारा दिन स्टेज पर नमूदार होने के रिहर्सल में लगे रहते थे। इसलिए तो अब मुझे ये भी घर छोड़ना पड़ेगा। मगर जाओगे कहाँ, इस घर के अलावा तुम्हारा कहीं गुजारा नहीं हो सकता। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन नाकाम होने के बाद अब मैं किस उम्मीद के सहारे यहाँ बैठा रहूं। बस एक दफा नाकाम होकर हिम्मत हार गए, मैं आरुत होकर 2 साल उम्मीद पे काटे हैं। तुम तो मर्द हो, तुम्हें तो किसी वक्त भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, इंसान अगर हिम्मत हार जाए तो तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की नहीं कर सकता इसलिए तो जा रहा हूँ। सलाम अलैकुम। अरे मगर तुमने तो कसम खा रखी थी कि जब तक फनकार नहीं बनूंगा यहाँ से नहीं जाऊँगा। यही तो मुसीबत है, समझ में नहीं आता कहाँ जाऊँ। हौसला रखो और कोशिश किए जाओ, कोशिश करना इंसान का काम है और कामयाब करना अल्लाह का काम। अरे वो जो अपना शाकिर है ना, उसको तार पे नाचना मैंने ही तो सिखाया था। आपकी और बात है, आप औरत जात है, चाहे तो सारे जमाने को उंगलियों पे नचा दें। क्या मतलब? मतलब ये कि आप मुझे नाचना नहीं सिखा सकते। क्यों नहीं? तो फिर मैं ना जाऊं? बिल्कुल नहीं। मगर हाँ हाँ कहो क्या बात है। बात ये है मेरी बहन की शादी। तुम्हें अपनी बहन की शादी में शरीक न होने का अफसोस तो होगा? नहीं, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अब्बा जी ने बहन की शादी के लिए मुझसे 400 रुपए मांगे थे, सो मैं वो भी ना पूरे दे सका। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बीबी जी अगर आप मुझे 400 रुपए उधार दे देंगी ना, तो ईमान से मैं आपके बर्तन धो धो के ये कर्जा उतार दूंगा। मगर 400 रुपए में शादी हो जाएगी? आपको क्या पता हो कि गरीबों की शादी 400 रुपए में कितनी धूमधाम से होती है। लेकिन जी तो मेरा भी यही चाहता है कि बहन की शादी में दुनिया भर के खजाने दे दो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। मालूम नहीं खुदा गरीबों को बहने क्यों दे देता है, और अगर बहने देता है तो फिर धूमधाम से शादी करने की तौफीक क्यों नहीं देता। जरा मेरी बात सुनी, डॉक्टर साहब इन्हें कोढ़ का मर्ज हो गया है। कोढ़? घबराइए नहीं, मैंने उनके सामने इसलिए कहना मुनासिब नहीं समझा कि कहीं मरीज का दिल ना टूट जाए। जरा आप भी एहतियात रखें, ये मर्ज एक से दूसरे को भी लग सकता है। तो कहिए ठीक हो जाएंगे? जी हाँ, लेकिन इसके लिए आपको 400-500 के इंजेक्शन और कुछ दवाएं खरीदना पड़ेंगी। 400? यहाँ से कोई दवाई नहीं मिलेगी डॉक्टर साहब? इसकी रोकथाम के लिए आपको कुछ दवाई यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन मुकम्मल इलाज के लिए आपको बाजार से दवाएं भी खरीदना पड़ेंगी, जो मैं आपको लिख देता हूँ। यूसुफ उर्फ मस्ताने की माँ है। क्यों क्या बात है? मस्ताने ने मनी ऑर्डर भेजा है।
तो आप मुझे दे जाए ना, आप तो जानते ही हैं कि मैं उनकी बहू हूँ। ये तो ठीक है, मगर मनी ऑर्डर मस्ताने की माँ के नाम पर है, आप उन्हें डाकखाने भेज दीजिएगा। वो डाकखाने आने के काबिल नहीं है क्योंकि वो आजकल बहुत ज्यादा बीमार है, अगर आज उनके लिए इंजेक्शन न खरीदे गए तो जिंदा ना बच सकेंगी। वो बहुत ज्यादा बीमार है? हाँ, तभी तो कह रही हूँ कि आप मुझे दे जाएं, क्योंकि उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ दस्तखत करके वसूल कर लें। ये लीजिए। चार सौ रुपए की दवाइयाँ बाजार से खरीदनी पड़ेंगी। तो फिर इन्हें वहीं दाखिल करा दो और खुद भी इनके साथ वहीं रहो, घर में इलाज नहीं हो सकेगा। दवाइयों के बगैर दाखिले से कुछ फायदा होता तो जरूर दाखिल हो जाता। देखो अच्छा, अब देखो जैसे मैं करूंगी वैसे करना। अच्छा करो ना। ना ऐसे नहीं। ना ना धीम 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 ना ना 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 धीम ना धीम धीम ना ना धीम धीम ना। कटार है मार गई मेरे दिल को तुनका, एक सोनी मुटियार ठुमक ठुमक चले गोरी जैसे गुजरिया, ठुमक ठुमक चले गोरी जैसे गुजरिया, घूंघट की ओट से मार के नजरिया, कर गई ये कैसा कमाल, हमारे दिल पे गई जादू डाल, हाय हाय दिल पे गई जादू डाल। बचपन से निकला है मेरा जो बनवा, रुक के मैं दुनिया से चुपके बतियां सुनाऊं तुझे प्यार की, हो बतियां सुनाऊं तुझे प्यार की। निशानी है प्यार की, उल्टी बातों में
मैं सदके जावा उल्टी बातों में मुझको न डाल हमारे दिल पे कई जादू डाल ऐ जुल्मी मुझ पे न रोरे डाले सवाल मेरे दिल का सुन ले तेरी मेहरबानी हो सुन ले तेरी मेहरबानी प्यार करूं कैसे इकरार करूं कैसे छूट जाएगी जिंदगानी हो लुट जाएगी जिंदगानी मेरी बल्लो मेरी बल्लो न यू मुझको टाल हाय रे मुझ पे न डोरे डाल हाय हाय दिल पे गई जादू डाल बचपन से निकला है मेरा जो बनवा देख मत छेड़ अभी मोहे सजनवा लागो साल माताल जुल्मी मुझ पे न डोरे डाल हमारे दिल पे गई जादू तुमने कमाल कर ये सब आप ही की मेहरबानी अरे आज तो सेठ साहब भी बहुत खुश थे तभी तो उस मोटे ने आज मुझे मोटी रकम दी है मैं बानो की शादी के लिए घर पैसे देने जा रहा हूँ हाँ, जरूर जाओ खुदा हाफिज़ सुनो तुम ट्रेन में कहाँ धक्के खाते फिरोगे ऐसा करो मेरी गाड़ी ले जाओ क्योंकि कल तुम्हारा रिहर्सल पे होना बहुत जरूरी है जी बेहतर शुक्रिया खुदा हाफिज़ क्या बात है बड़ी वर्जशें हो रही है मैंने कहा हुस्न के मुकाबले में शरीक होने का इरादा है तुमने हुस्न के मुकाबले का जिक्र करके मुझे वो कॉलेज का जमाना याद करवा दिया है जब माली तुम्हें कच्ची अंबियां खिलाया करता था अरे नहीं जब लोग मुझे हुस्न की देवी कहकर पुकारा करते थे ओहो मैं तो लोगों को समझाया करता था कि किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं तो वो मेरा मजाक उड़ाया करते थे जी नहीं खेल उड़ाया करते थे इसका मतलब ये हुआ कि ना मैं जवान हूँ और ना ही खूबसूरत जी नहीं आप तो बहुत खौफसूरत है दगा बाप फरेबी तूने मेरे प्यार की खातिर शादी नहीं की एक दौलतमंद बाप की बेटी समझकर शादी की है मैं आज ही अपने मरहूम बाप के क्षेत्र का इंतजाम अपने हाथ में लेती हूँ खुदा का वास्ता है लेकिन मुझे इन जुल्फों के साए में रहने दो कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी जुदाई में सारी जिंदगी ये गाता फिरूं एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था है प्यार हुआ झूठा कहीं का झूठ नहीं ये हकीकत है पागल की बच्ची मुझे तो तुम आज भी उस 11 साल पहले वाली वही रानी नजर आती हो वही तिरछी नजरिया वही पतली कमरिया मैं मर गया आ जा क्या बात है माँ नहीं बेटी कुछ नहीं तो फिर तुम रो क्यों रही हो बताओ ना माँ मैं तो बेटी से कोई दुख छुपा कर नहीं रखती डॉक्टर ने कहा है क्या कहा है तुम्हारे अब्बू को कोड हो गया अब्बू को कोड हो गया मैं समझा नहीं तो फिर खूब अच्छी तरह समझ लो तुम्हें कोड हो गया है क्या कह रही हो बेगम ठीक ही कह रही हूँ यकीन नहीं आता तो अपनी माँ और बहन से पूछ लो डॉक्टर ने इसे क्या कहा था बोलो माँ अब ये नहीं बोलेंगी माँ तुम बोलती क्यों नहीं डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा था
तुम्हारे ये आंसू इस घर में आने वाले अजाब की गवाही दे रहे हैं। अब्बा जी, आपको इतना भी ख्याल नहीं कि ये एक मूजी मर्ज है। इसीलिए तो मैंने घड़ा तोड़ दिया था, इन्होंने उसमें हाथ डाल दिया था। अब्बा जी, और कुछ नहीं तो कम से कम आप यही सोच लेते कि ये मूजी मर्ज आपकी जवान औलाद को भी लग सकता है। तुम ठीक कहते हो बेटा, मेरा क्या है, तुम्हें फलना फूलना और परवान चलना चाहिए, मेरी खुशी तो तुम्हारी खुशी से है। अब्बा, अगर इन्हें हमारी खुशियों का इतना ही ख्याल होता तो ये घड़े के नजदीक भी ना जाते। ये तो चाहते हैं कि तुम भी इस मर्ज में मुब्तला हो जाओ और मैं भी, लेकिन मैं ऐसा ना होने दूंगी। बहू, मुझ पर रोक डालने की कोशिश ना करो जी, मैं बड़े घर की बेटी हूँ। तुम लोगों को तो मेरा एहसान मानना चाहिए जो तुम जैसे भूखे नंगों के घर में दिन काट रही हूँ। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते बहू। तब फिर एक एहसान और कर दीजिए बड़े मियाँ, कोड़ों के अस्पताल में चले जाइए। अगर आप इस घर से नहीं जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी। अरे बेगम सुनो तो। अम्मी जी, भाभी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बड़े घर की बेटी जो ठहरी। नहीं नहीं बेगम, सच्ची बात अगर गैर भी करे तो उसे मान लेना चाहिए, वो तो फिर इस घर की बहू है। उसने ठीक कहा है, ये बीमारी किसी को भी लग सकती है, तुम सबको इससे बचना चाहिए, बचना चाहिए। अब्बा जी, और कुछ नहीं तो कम से कम आप यही सोच लेते कि ये मूजी मर्ज आपकी जवान औलाद को भी लग सकता है। ये तो चाहते हैं कि तुम भी इस मर्ज में मुब्तला हो जाओ और मैं भी, लेकिन मैं ऐसा ना होने दूंगी। तब फिर एक एहसान और कर दीजिए बड़े मियाँ, कोड़ों के अस्पताल में चले जाइए। अगर आप इस घर से नहीं जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी। तुम आप मुझसे दिल की बात नहीं छुपा सकते सरताज। दो अनजान मुसाफिर एक दिन के सफर में एक दूसरे के जाहिर और बातिन से वाकिफ हो जाते हैं। मैं तो जिंदगी के इस सफर के 30 साल गुजार चुकी हूँ, मुझे तो ये भी इल्म है कि आप सोते में कितनी करवटें बदलते हैं। मेरा इरादा जान चुकी हो नासिर की माँ, तो मेरे साथ ना हो बहुत दुख उठाने पड़ेंगे। दुख तो मुझे उस वक्त होगा कि आप मुझे अकेली छोड़ जाते। मुसीबतों में कौन किसी का साथ देता है, तारीख राहों में तो साया भी साथ छोड़ जाता है नासिर की माँ। शोहर और बीवी का रिश्ता साये से ज्यादा गहरा होता है सरताज। मुझसे दूर रहो नासिर की माँ, ये बीमारी खुद से दूर रखकर मुझसे मेरा हक न छीनिए सरताज। बीवी शोहर की हर चीज में बराबर की हिस्सेदार होती है, और जब आपकी शादी हुई तो मैं उस खुशी में बराबर की हिस्सेदार थी, और जब खुदा ने आपको औलाद से नवाजा तब भी मेरा बराबर का हिस्सा था, और जब आप बड़े घर की बहू ब्याह कर लाए तो आपकी खुशी में बराबर की हिस्सेदार थी। अब आपको बीमारी लग गई है तो मैं अपना हिस्सा छोड़ दूं, ये कैसे हो सकता है सरताज? अगर तुमने दुख उठाने के ठान ही लिए है तो फिर आओ, बानो के बेदार होने से पहले कहीं दूर निकल चले। बानो को यही छोड़ जाएंगे? हाँ, जवान बेटी को साथ लिए मारे मारे कहाँ फिरेंगे। चलो चलो, अब देर न करो। अब्बा जान, मुझे किसके सहारे छोड़े जाते हैं आप? यही अपने भाई के पास रहोगी बेटी, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम उसकी जवान बहन हो ना। जिस बेटे को बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं आया वो जवान बहन का क्या ख्याल रखेगा? मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना अब्बा जान। देर न करो बेटी, हमारा क्या है, हम तो फुटपाथ पे भी गुजर कर लेंगे। तुम्हें इस चार दीवारी में रहना चाहिए, तुम जवान हो और जमाना खराब। इस चार दीवारी में रहने से तो फुटपाथ पर ठोकरे खाना बेहतर है अब्बा जान। खुदा के लिए जहन्नम में मुझे अकेली छोड़ कर ना जाइए। मैं जवान हूँ मगर गैरतमंद माँ बाप की बेटी हूँ, और गैरतमंद वालदैन की बेटियाँ इज्जत को जिंदगी से अजीज जानती है। ठीक कहती है बानो, इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में है। अगर तुम यही चाहती हो कि ये मासूम भी हमारे साथ थकेगा तो चल। चलो बेटी। पलट कर क्या देखती हो, घर छोड़ने को जी नहीं चाहता तो खुशी से यहाँ रहो।
नहीं नहीं सरताज, मैं तो ये देख रही हूँ कि ये वही घर है जिसमें कदम रखते वक्त मैंने सोचा था कि मरकर ही इस घर से निकलूंगी। क्या खबर थी कि औलाद के जवान होते ही जीते जी इस घर से निकलना पड़ेगा। इस बात को यही बात दूर था। चल, चल। ना का शुक्र है जान छूटी है। क्या लिख रही हो? घर के लिए मनी ऑर्डर लिख रहा हूँ। सुना है आर्टिस्ट को अपने आर्ट के सिवा किसी चीज का होश नहीं रहता, लेकिन तुम्हें आर्टिस्ट होने के बावजूद अपने घर का कितना ख्याल है? वो चराग ही किस काम का जो जलकर भी दूसरों को रोशनी ना दे सके। ठीक कहा तुमने, दूसरों के लिए जलना ही पड़ता है। लेकिन ये जलना भी हमने आप ही से सीखा है जनाब। जो खुद जल रहा हो वो किसी को क्या जलाएगा। अब ये घराव जलाओ की बातें छोड़िए और ये बताइए कि आज कौन से खेल की रिहर्सल करना है। वो खेल जो हम लोग खेल रहे हैं। हम खेल रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं खेल रहे। Thank you.
कौन से खेल की रिहर्सल है? जिस खेल की इब्तिदा मैंने की और अंजाम तुम्हारे हाथ में है। बेगम, अब तो इस घर का नक्शा ही बदल गया है। नक्शा कैसे ना बदलता, मैंने जो तुमसे चोरी छुपे कमेटी डाल रखी थी वो भी निकल आई। अब्बू ने 2000 रुपए दे दिए और अम्मा ने कपड़े दिला दिए। अरे तो फिर क्यों ना आपकी एक दीदीना ख्वाहिश पूरी की जाए। मेरा ख्याल है इस पुराने मकान को छोड़कर हमें नया घर ले लेना चाहिए। ना 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 ना, सारे आशराम तो इसी घर की बदौलत है। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि इस घर पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग का साया है और वो एक दफा मेरे ख्वाब में आए थे। उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर तुम लोगों ने ये घर छोड़ दिया तो तुम पर खुदा का अजाब नाजल हो जाएगा। हाँ, फिर तो हम ये मकान कभी नहीं छोड़ेंगे भाई। हाँ बिल्कुल नहीं, रुपए पैसे के बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी? जिंदगी खत्म करने के लिए तो जहर भी मुफ्त नहीं मिलता। आप घबराइए नहीं, मैं किसी के घर में काम काज करके गुजारा चला लूंगी। नहीं नहीं माँ, मेरे होते हुए मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगी। नहीं बेटी, तुम जवान हो और जवान लड़कियाँ किसी के घर में काम करती भी अच्छी नहीं लगती। या खुदा मुझे हिम्मत दे दे, या मुझे मौत दे दे, मुझसे अब तेरी कुदरत का तमाशा और नहीं देखा जाता मेरे मौला, नहीं देखा जाता। ये रोटी कहाँ से लाई हो? मुझे एक घर में सफाई और कपड़े धोने का काम मिल गया है। इस उम्र में काम करोगी? दो जवान बेटों की माँ किसी के घर में काम करे? आज मेरा मस्ताना होता तो ये नौबत कभी ना आती। आज मुझे भी मस्ताना बहुत याद आ रहा है, कितना ख्याल था उसे मेरा। आप ही का नहीं, सबका ख्याल था। ये आज मैं घर जा रहा हूँ ना, अब्बा जी के लिए साड़ी और ब्लाउज, माफ कीजिएगा, अब्बा जी के लिए कुर्ता पजामा, भाभी के लिए साड़ी और ब्लाउज, और घर वालों के लिए अलग अलग कपड़े। अपने लिए क्या लाए? अपने लिए कुछ भी नहीं। अरे तो क्या इसी हालत में घर जाओगे? जी नहीं, तुम्हें नया सूट पहन के जाना होगा। नहीं बीबी जी, आप मुझे ऐसे ही घर जाने दीजिए। अगर सूट बूट पहन के गया तो अब्बा जी ने मुझे पागल समझ के घर में नहीं घुसने देना। बस कुछ भी हो तुम्हें नया सूट पहन के जाना ही होगा। लेकिन वो नया सूट है कहाँ? अंदर कमरे में। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। हेलो। हेलो सेठ साहब, आप तशरीफ रखिए, मैं जरा कपड़े बदल के अभी आता हूँ। ये कपड़े पहन के कहाँ जा रहा है? अपने घर जा रहा है। अपने घर? तो इसका मतलब है कि हमारा कारोबार खत्म होने वाला है। ऐसा नहीं होगा, ये एक दो रोज में वापस आ जाएगा। नामुमकिन है, इस बेवकूफ के घर में जो पलटन मौजूद है उनमें से किसी एक ने उल्टा सबक पढ़ा दिया तो समझ लो थिएटर बंद हो गया। हेलो, आपका फोन। जी हेलो। हाँ अच्छा, हाँ मैं वहीं आ रहा हूँ, वो टूर वाले आ गए, मैं उनसे मिल के अभी आता हूँ। लेकिन खुदा के लिए इस चुगत को कहीं नहीं जाने देना वरना बहुत बुरा होगा। प्लीज जी, अच्छा कैसे नहीं लगूंगा अगर आपकी पसंद के कपड़े हैं। आइंदा तुम्हारे लिए कपड़े मैं ही लाया करूंगी। जी आप इतनी तकलीफ क्यों फरमाएगी, आप मुझे दुकान का पता बता दीजिए, मैं आपकी पसंद के कपड़े खरीद लाया करूंगा। मेरी पसंद के कपड़े तुम कैसे लाओगी? जी जी जी, मैं आपकी पसंद समझता हूँ। अच्छा सुनो, मेरी एक बात मानोगे? इस दुनिया में माँ के बाद आप ही की तो बात मानता हूँ। फरमाइए। प्लीज अपने घर मत जाओ।
ये क्या कह दिया आपने? लेकिन तुमने तो कसम खाई थी कि जब तक बड़ा अदाकार नहीं बनूंगा घर वापस नहीं जाऊंगा। ये तो ठीक है, तो क्या मैं अभी बड़ा अदाकार नहीं बना? अरे अभी तो हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना है, मालिक के साथ नए एग्रीमेंट करवाने हैं, घर जाने के बाद अगर तुम्हारी जगह कोई और आ गया तो सारी शोहरत एकदम हाथ में मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली अभी दूर है? हाँ, पूरे फनकार तुम उस वक्त कहलाओगे जब हर जबान पे तुम्हारा नाम होगा, घर घर में तुम्हारी तस्वीर होगी, हर दिल में तुम्हारा काम देखने की ख्वाहिश होगी। उस वक्त मैं खुद तुम्हारे माँ बाप को थेठे मिलाऊंगी। अरे अब्बा जान को भूल के भी ना लाइएगा, वो खेल वेल नहीं देखेंगे, सीधे स्टेज पर आ जाएंगे और आते ही एक चांटा देंगे। बिल्कुल गलत, तुम्हारा काम देखकर चांटे मारने वाले हाथ खुशी से बेकाबू होकर तालियां बजाने लगेंगे। मगर उन कपड़ों का क्या होगा? इनका इंतजाम मैं करवा देती हूँ। नूरी जी, बीबी जी। जी अच्छा, तुम आ जाओ, सारा इंतजाम हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया बीबी जी। देखो यूसुफ, तुम मुझे बीबी जी मत कहा करो, सिर्फ माला कहा करो। आपके मुझ पर इतने एहसानात हैं, मैं आपका नाम लूं, ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, लेकिन बस लेकिन लेकिन कुछ नहीं। आज से तुम मुझे माला कहोगे और मैं तुम्हें यूसुफ। जी कहूँ माला? माला जी, सिर्फ माला। माला पहलू में दिल जोर से धड़का पहली बार, ओए पहलू में दिल जोर से धड़का पहली बार। अपनी कसम अब छुप न सकेगा तेरा मेरा प्यार। पहलू में दिल जोर से धड़का पहली बार, ओए पहलू में दिल जोर से धड़का पहली बार। सजनी बात जरा सी थी, मैं कहते हुए शर्माता था। ओए ओए सजनी बात जरा सी थी, मैं कहते हुए शर्माता था। दिल में यूं 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 दिल में यूं यूं होता था जब तुमसे नैन मिलाता था। आखिर प्यार की जीत हुई और करना पड़ा इकरार। पहलू में दिल जोर से धड़का पहली बार, कोई पहलू में दिल जोर से धड़का पहली बार। बेदार तेरा ओ कंदारी अनार, पहलू में दिल जोर से धड़का पहली बार, पहलू में दिल जोर से धड़का पहली बार। अब संडे के संडे हम पिकनिक पर जाएंगे, बाहों में फिर डाल के बाहें गीत प्यार के गाएंगे। सजनी अब संडे के संडे हम पिकनिक पर जाएंगे, बाहों में फिर डाल के बाहें गीत प्यार के गाएंगे। दो दिल मिलकर एक हुए हो गया मेरा प्यार, पहलू में दिल जोर से पहली बार, कोई पहलू में दिल जोर से धड़का पहली बार। अपनी कसम अब छुप न सकेगा तेरा मेरा प्यार, पहलू में दिल जोर से धड़का पहली।
बार गलों में दिल जोर से लड़का पहली बार। वाला क्या बात है, आज आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। न जाने आज मैं इतनी खुश क्यों हूँ। मैं खूब समझता हूँ। क्या 12 साल थिएटर चलाया, टांगा नहीं चलाया, नजरों से दिल की बात पढ़ सकता हूँ। मेरे दिल की रानी आ गई है, तुम आस पास का ख्याल रखना, मैं इससे निपट कर आता हूँ। दादा तुम्हारे होते हुए यहाँ कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, उनसे सब डरते हैं। ठीक है, कहाँ जा रही है रानी, आज तो मेरे दिल की प्यास बुझा कर जाओगी। बकवास ना कर कमीने, आज तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। फर्क है, तुम शराबें पीते हो, जुआ खेलते हो, लोगों की लड़कियों को छेड़ते हो। जी तो चाहता है कि तुम्हें अपने दांत पर ले जाकर लकड़ियों के भाव फरोख्त कर दूं, लेकिन नहीं, अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले गया तो यहां के जंगली जानवर भूखे मर जाएंगे। और बहन, अब तो रोज मनी ऑर्डर वसूल होने लगे हैं, कुछ हमारा इनाम भी हो जाए। पड़ी थी बेटी, चोट आ गई है, कल तुम काम पर मत जाना माँ। अगर मैं काम पर नहीं गई तो खाएंगे कहाँ से। मैं तेरी जगह चली जाया करूँगी माँ, मुझे तुम वो घर दिखा देना। तू किसी के घर में काम करेगी? क्या हर्ज है, वो लोग बड़े शरीफ हैं, और फिर मैं भी तो इसके साथ जाया करूँगी। ये तेरे हाथ से खून बह रहा है, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मुझे चोट का तो इतना अफसोस नहीं है, अफसोस तो इस बात का है कि मेरे मस्ताने की लाई हुई चादर भी फट गई है। पैसे हैं शामी कबाब? भाई मजा आ गया। और मुर्ग रोस्ट? रोजाना मोर खा खा कर मैं तो तंग आ गया, वैसे तो मैं पकाती खूब। इसमें मेरा कमाल नहीं, देसी घी की खूबी है, और आज अबू जान ने फिर 5 से घी भेज दिया है। हाँ। तुम्हारे अबू अब तुम्हारा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगे। ख्याल क्यों ना रखे, सबसे बड़ी बेटी जो हूँ, अगर जरा नाराज हो जाऊँ तो जान पे बन जाती है। हाँ, जरा खीर तो खा के देखो। भाई मेरा पेट भर गया, मुझसे कुछ खाया ना। अब्बा, ये रोटी तो 2 दिन की बासी है, अल्लाह का शुक्र अदा करके खा ले बेटी, हो सकता है कि कल ये भी ना मिले। बेटी
दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ऐसी भी नहीं मिलती। ना रो बेटी, तेरे आंसू इस रोटी को नर्म नहीं कर सकते। खा ले, खा ले। ओहो, ऐसी कौन सी बात हुई कि जुनाब को रोना आ गया? आखिर हुआ क्या? अभी कुछ हुआ ही नहीं, कितने प्यार से केक खाया जा रहा था। आखिर उस लड़की को घूर घूर कर देखने की जरूरत क्या थी? हाँ, उस लड़की की आंखें ना जाने मुझसे क्या कह रही है। अच्छा, तो अब गैरों की आंखें कुछ कहने लगी हैं और मेरी आंखें जो कह रही हैं उसे अभी तक नहीं समझ सके। अब्बा जी ठीक ही कहा करते थे। क्या कहते थे? कि यूसुफ तुम उल्लू के पट्टे हो। हंसी ना आप चलो। भाई ये क्या, आप तो अभी तक मुझसे नाराज हैं। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। अगर मैंने आपका दिल तोड़ दिया है तो फिर जोड़ भी मैं ही देता जी। जब मेरा दिल टूट जाया करता था तो मेरी बहन मेरा दिल जोड़ने के लिए मुझे एक गीत सुनाया करती। अब वही गीतों भरा प्रोग्राम आपके लिए पेश करता हूं। आज गम है तो क्या वो दिन भी जरूर आएगा। आज गम है तो क्या वो दिन भी जरूर आएगा। जब तेरा गम खुशी में बदल जाएगा। आज गम है तो क्या वो दिन भी जरूर आएगा। गाड़ी के नीचे ही आना तो कोई और गाड़ी देखो, मैंने अभी बड़े काम करने हैं। माफ करना भाई, गलती हो गई। दरअसल एक साल के बाद मां को मिलने जा रहा हूँ, खुशी के मारे कुछ दिखाई नहीं देता। एक वो था जिसे माँ के ख्याल में अपना भी होश नहीं, एक तू है कि शहर की रंगीनियों में खोकर माँ बाप सबको भूल चुका है। फन और दौलत के नशे में तूने उस बहन को भुला दिया जिसकी दुआओं से तू फनकार बना। लानत है ऐसे फनकार पर जो दौलत के नशे में अपनों को फरामोश करते। तू है तुझ पर, तू फनकार नहीं दौलत का पुजारी है। आजा यूसुफ, मैं तुम्हारे बगैर एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकती। मैं भी माँ को मिले बगैर एक पल नहीं रह सकता, मैं अभी और इसी वक्त जाऊँगा। तो फिर वादा करो कि जल्दी वापस आओगे। मैं माँ को मिलते ही वापस आ जाऊँगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अब्बा जान पानो हो गए थे और वो नहीं चाहते थे कि हम सब भी इस मर्ज में मुब्तला हो जाएं। या खुदा ये मैं क्या सुन रहा हूं, लेकिन वो लोग हैं कहां? खुदा जाने कहां चले गए, हमें कुछ मालूम नहीं। आपको कुछ मालूम नहीं, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि आप लोगों ने उनसे कतई ताल्लुक कर लिया है। तुम आ गए भैया? भैया मुझे बताओ अब्बा अम्मा और बानो कहाँ हैं? तुम्हें उनका पता मालूम होगा, जवान बेटे तो बूढ़े वालदैन से एक पल भी गाफिल नहीं होते। इसमें मेरी नहीं तुम्हारी भी गफलत है यूसुफ। जब से तुम यहाँ से गए हो तुमने अपना पता तक नहीं भेजा। मैंने पता तक नहीं भेजा? और नहीं तो क्या, वो जो हर महीने में मनी ऑर्डर भेजता था उस पर मेरा पूरा पता होता था। अगर माँ यहाँ नहीं थी तो फिर वो मनी ऑर्डर कौन वसूल करता था? मनी ऑर्डर? कैसा मनी ऑर्डर? मैं झूठ नहीं बोलता भैया, मेरे पास वो तमाम रसीदें मौजूद हैं जिनके जरिए मैंने यहाँ पर हजारों रुपए भेजे। क्यों जी, ये क्या किस्सा है? मुझे क्या मालूम जी। मनी ऑर्डर ले लो बीबी जी, हर महीने आप मुझे 5 रुपए देकर चलता करती हैं, अब के मैं ज्यादा इनाम लूंगा। अच्छा तो तुम वसूल करती रही हो वो रुपए, अब मैं समझ गया हूँ कि तुमने मेरे माँ बाप को घर से क्यों निकाला था। ओ, अपने ऐशो आराम के लिए दूसरों को दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर करने वाली दगाबाज, अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा, तेरे जुर्मों का सबूत मेरे पास मौजूद है। हैं? ये तो कहती थी कि यूसुफ उर्फ मस्ताने की माँ अस्पताल में बीमार पड़ी हैं और दवाएं खरीदने के लिए रुपयों की सख्त जरूरत है। बाप रे बाप, ये तो सरियन 420 का केस है। खुद गरज लालची औरत, पता है मेरे माँ बाप कहाँ है, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। तुझे सब मालूम है ओ जरीली नागर, तूने मेरे पूरे खानदान को डस लिया है, तुमने तूने मेरे बड़े घर को उजाड़ दिया है। अगर जिंदगी चाहती है तो बता दे मुझे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे माँ बाप को घर से निकाल दिया है, जाने वो किस हाल में होंगे। वो बेचारे इसी शहर में कहीं भीख मांग रहे होंगे। दो जवान बेटों के माँ बाप भीख मांग रहे हैं? भैया क्या ये लोग सच कह रहे हैं? अगर ये सच कह रहे हैं तो तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? क्या उन्होंने इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ा लिखा कर तुम्हारी शादी बड़े घर में की थी कि वो दर बदर की ठोक ने खाते फिरे और तुम ऐश की जिंदगी गुजारो? भाई जवान, खुदा के लिए मुझे मेरे माँ बाप के पास ले चलो। अरे मियाँ, तुम्हें अब उनकी क्या फिक्र होगी, तुम तो बड़े आदमी बन गए हो। ऐसा ना कहो, अगर तुम्हें उनका कोई ठिकाना मालूम है तो मुझे बता दो। भिखारियों का कोई ठिकाना नहीं होता, आज इस सड़क के किनारे तो कल उस सड़क के किनारे। मैं उन्हें तलाश करने के लिए दुनिया भर की सड़कें छान मारूंगा। माफ करना, मैं
मानो बहन। भैया मानो बहन, खुदा ने तुम्हारी दुआएं सुन ली है, तेरा भाई बहुत बड़ा फनकार बन गया। मेरे लाल, मानो मेरा घर छोड़ने से पहले मेरा इंतजार तो किया होता। अब्बा जी, अब्बा जान, मुझे दोनों मेरे बेटे, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। ठीक है, आपको मुझसे नाराज होना चाहिए, मैं अपने सुख चैन में आप सबको भूल गया था, मगर अब तो आपके कदमों में चला आया हूँ, मुझे माफ कर दीजिए अब्बा जान। काश काश तू वापस आने में इतनी देर न की होती। तुम अब्बा से कहो कि मुझे माफ कर दे और मुझे एक मर्तबा अपने गले से लग जाने दे। मेरे भोले बेटे, तेरे अब्बा तुझसे नाराज नहीं है, इन्हें कोढ़ की बीमारी हो गई है। अब्बा जान, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपके इलाज के लिए दुनिया भर के डॉक्टर इकट्ठे कर लूंगा, आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। खुदा के लिए मुझसे दूर रहो मस्ताना, ये अछूत की बीमारी है। मैं कोई गैर नहीं कि आपकी बीमारी के खौफ से परे हट जाऊं, मैं तो आपका अपना खून हूं, अपने तो अपनों की मौत से निपट जाते हैं। ये तू कह रहे मस्ताने, नासिर तो मुझसे ये कह के परे हट गया था कि ये मरस आपकी औलाद को भी लग सकती है। वो तो आपका पढ़ा लिखा और अकलमंद बेटा है ना अब्बा जान, मुझे इतनी अकल कहाँ, आप सब मुझे दीवाना मस्ताना कहा करते थे ना, लेकिन मैं खुद को आपके बदन का एक हिस्सा समझता हूँ। मस्ताने मस्ताने, अरे अरे तू वाकई मेरा बेटा मस्ताना है रे, जा रे मेरी दुआ है, खुदा तुझे इतना दे कि तुझसे संभले नहीं संभले, आज तूने फिर से मुझे एहसास दिला दिया है कि मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ। अब तो सारी दुनिया आपकी है अब्बा जान, आप एक बहुत बड़े फनकार के बाप हैं। मेरा बेटा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब्बा जान, अब्बा जान, इस खुशी के मौके पर आप भाईजान और भाभी को भी माफ करें। अब्बा जान, नहीं नहीं बेटी, जैसी ये मेरे घर की इज्जत है वैसी तुम भी मेरे घर की इज्जत हो। सुबह का भूला अगर शाम को भर जाए तो उसके भूला नहीं कहते। भाई जान, भैया वाह, मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे उजड़े हुए घर को फिर से आबाद कर दिया। वो छोरी चपक छल्लो लो दिल से दिल बदल लो, वो छोरी चपक छल्लो लो दिल से दिल बदल लो, मेरे संग चलो गोरी इस झंझट से निकल लो।